कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच घाघरा प्रखंड में प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव संपन्न हो गया है। निर्वाचन पदाधिकारी एसटीओ रवि आनंद की मौजूदगी में घाघरा प्रखंड के 18 पंचायत के 22 पंचायत समिति सदस्यों के बीच प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव हुआ। प्रमुख पद के दो प्रत्याशियों सविता देवी एवं शीला रानी उरांव ने नामांकन दाखिल किया। शीला रानी उरांव 9 मत प्राप्त हुए। वहीं उप प्रमुख पद के लिए 4 प्रत्याशियों श्रवण उरांव, राजेंद्र उरांव, पलक सिंह एवं शीला देवी ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें श्रवण उरांव को 3, राजेंद्र उरांव को 4, पलक सिंह को 3 एवं शिवा देवी को 12 मत प्राप्त हुए। मालूम हो कि घाघरा प्रखंड में प्रमुख एवं प्रमुख पद के चुनाव के लिए शनिवार को प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल घाघरा थाना प्रभारी अभिनव कुमार प्रखंड मुख्यालय के मुख्य द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कमान संभालते हुए थे। वहीं प्रखंड परिसर में सभी जगह पुलिस के जवान तैनात थे। घाघरा प्रखंड प्रमुख बनी सविता देवी ने कहा कि जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहकर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करूंगी। अभी अभी मैं प्रमुख पद में विजयी हुई हूं और इसमें मैं जनता की भरपूर सेवा करूंगी और सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करूंगी। और इस बार मुझे समाज सेवा करने का मौका मिला है, इसमें मैं खरा उतरूंगी। जी, आज घाघरा प्रखंड में प्रमुख और उप प्रमुख पंचायत समिति के चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें प्रमुख के रूप में सविता देवी निर्वाचित हुई हैं और उप प्रमुख के रूप में शिवा देवी निर्वाचित हुई हैं। पूरा मतदान प्रक्रिया बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी या फिर किसी भी तरह समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। सर, गड़बड़ी की कोई सदस्य कोई बात नहीं है, सभी सदस्य मौजूद थे और सभी शांतिपूर्वक ढंग से सभी सदस्यों के प्रेजेंस में चुनाव प्रक्रिया कराई गई है और सभी सदस्य जब तक नहीं थे तब तक चुनाव प्रक्रिया नहीं कराई गई थी। सभी सदस्यों के आने के बाद ही चुनाव कराया गया और सभी प्रक्रिया है शांतिपूर्ण संपन्न हुई। सर, प्रमुख को कितना मत मिला? इसकी जानकारी फाइल में है, अभी मैं ध्यान में नहीं हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।